हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ सर लाइव क्लासेस में। यहां पर आपको सभी तरह के टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाई जाती है, चाहे वह आपका एमपी टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, या फिर रीट हो, या फिर अदर कोई भी स्टेट का आपका टेट एग्ज़ाम्स हो। सभी तरह के टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी आपको बिल्कुल यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धमाकेदार सेशन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के वन लाइनर क्वेश्चंस में। तो आज के क्वेश्चंस में बढ़ने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल में आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्त फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे सेशन में। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति अध्ययन विधि में किस प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता होती है। सो फ्रेंड्स, व्यक्ति अध्ययन विधि में किस प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता होती है? पारिवारिक, सामाजिक, सामान्य एवं शारीरिक। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन सी? पारिवारिक, सामाजिक, सामान्य एवं शारीरिक प्रकार की अध्ययन विधियों की आवश्यकता होती है। किसमें? व्यक्ति अध्ययन विधि में पारिवारिक, सामाजिक, सामान्य एवं शारीरिक सूचनाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि है। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि कौन कौन सी है? गतिवर्धन, संपन्नीकरण, विशिष्ट कक्षाएं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से पलायनशीलता के कारण हैं क्या क्या हैं? कल्पना की अधिकता, कुसमायोजन, दोषपूर्ण शिक्षण पद्धति। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन सी पलायनशीलता के कारण? कल्पना की अधिकता है, कुसमायोजन है और दोषपूर्ण शिक्षण प्रणाली है। जो दोषपूर्ण शिक्षण प्रणाली है ये फ्रेंड्स, ये सबसे ज़्यादा आपका पलायन का कारण बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, बालकों में सृजनशीलता के विकास हेतु सकारात्मक अभिवृत्ति के निर्माण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। उक्त कथन किसने दिया था? तो उक्त कथन किसने दिया था? डॉक्टर एस चौहान ने दिया था। ठीक है, डॉक्टर एस चौहान ने। बालकों में सृजनशीलता के विकास हेतु सकारात्मक अभिवृत्ति के निर्माण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका, ये कथन किसने दिया था? डॉक्टर एस चौहान ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका, विद्यालयों में तीव्र एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए निम्न में से शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए। कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? अवसर की समानता, पाठ्यक्रम में समृद्धि और अहम अन्यता को रोकना। ठीक है फ्रेंड्स, विद्यालयों में तीव्र एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए शैक्षणिक व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए? अवसर की समानता होनी चाहिए, पाठ्यक्रम में समृद्धि होनी चाहिए, मतलब समृद्ध प्रकार का क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम होना चाहिए और अहम अन्यता को रोकना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, सृजनात्मक से आशयपूर्ण अथवा आंशिक रूप से तीन वस्तु के उत्पादन से है। उक्त कथन है किसका है? रूसो का है। किसका है फ्रेंड्स? रूसो का। तो याद रखिएगा, सृजनात्मकता से आशयपूर्ण अथवा आंशिक रूप से तीन वस्तु के उत्पादन से, यह कथन किसने दिया था? रूसो जी ने दिया था। नेक्स्ट है हमारा, विशिष्ट बालक में प्रमुख विशेषता है। क्या विशेषता है? साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाला बालक होता है। कौन? विशिष्ट बालक। ठीक है, विशिष्ट बालक होता है कैसा होता है? साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाला बालक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। तो प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है? तर्क, स्मृति, कल्पना आदि मानसिक तत्वों का विकास। ठीक है, उनमें तर्क करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, उनका स्मृति लेवल जो होता है वह भी बहुत ज़्यादा अधिक होता है, कल्पना करने की क्षमता भी उनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है और मानसिक तत्वों का विकास भी उनमें बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, और कैसे होते हैं? उदार एवं हसमुख प्रवृत्ति के भी होते हैं। कौन? प्रतिभाशाली बालक। दूसरों का सम्मान भी करते हैं और चिढ़ते नहीं हैं। तो ये इनकी सारी विशेषताएँ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं केवल। विशिष्ट बालकों की श्रेणी में कौन आता है? प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक, ये सभी आते हैं आपके विशिष्ट बालकों की श्रेणी में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका, एक व्यक्ति जिसमें कोई इस प्रकार का शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, उसको हम विकलांग कह सकते हैं। यह कथन किसका है?
क्रो एंड क्रो का है, ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, किसका है, क्रो एंड क्रो, कि एक व्यक्ति जिसमें कोई इस प्रकार का शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप से उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, उसको हम विकलांग कह सकते हैं। तो यह कथन किसने दिया था, क्रो एंड क्रो जी ने दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा, प्रतिभाशाली बालक 80% धैर्य नहीं खोते हैं, 96% अनुशासित होते हैं तथा 58% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं, यह कथन किसका है, तो यह कथन दिया था विटी ने, ठीक है, किसने दिया था, विटी ने, कि प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वह 80% धैर्यवान होते हैं, ठीक है, मतलब 80% धैर्य भी नहीं खोते हैं, 96% मतलब 96% कैसे होते हैं, अनुशासित होते हैं, और 58% उनमें मित्र बनाने की इच्छा होती है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कथन दिया था विटी ने। नेक्स्ट है आपका, समस्यात्मक बालकों की शिक्षा के समय निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए, तो बालकों को मनोरंजन के उचित अवसर दिए जाएं, शिक्षकों का मधुर व सहयोगात्मक व्यवहार हो, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो किसने लिखी थी, हैविंग हर्श ने, ठीक है, सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसने लिखी थी, हैविंग हर्श ने। नेक्स्ट है, द कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ बैकवर्डनेस नामक पुस्तक लिखी किसने, बर्ट ने। तो आपको फ्रेंड्स पुस्तकों के नाम भी याद होना चाहिए कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी थी, ठीक है, आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो द कॉजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ बैकवर्डनेस नामक पुस्तक किसने लिखी थी, बर्ट ने। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है, कैसे की जा सकती है, विधिवत अवलोकन द्वारा और प्रमापीकृत परीक्षणों द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी पहचान कैसे की जा सकती है, तो विधिवत अवलोकन के द्वारा और प्रमापीकृत परीक्षणों द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो किसने लिखी है फ्रेंड्स, हिलगार्ड व अटकिंसन ने लिखी है, ठीक है फ्रेंड्स, किसने लिखी है, हिलगार्ड व अटकिंसन ने लिखी है। नेक्स्ट है आपका, प्रतिभाशाली बालकों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, श्रेष्ठ बालक कहा जाता है, तीव्र सीखने वाले बालक भी कहा जाता है और निपुण बालक भी कहा जा सकता है। तो फ्रेंड्स कभी कभी आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि श्रेष्ठ बालक किसे कहा जाता है, तो आप उसमें प्रतिभाशाली बालक भी लगा सकते हैं, ठीक है, प्रतिभाशाली बालक। या कभी आपसे पूछ लेगा तीव्र सीखने वाले बालक कौन से होते हैं, तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, प्रतिभाशाली बालक। या फिर कभी क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि निपुण बालक किसे कहा जाता है, तो आपको बताना होगा कि किसे कहा जाता है, प्रतिभाशाली बालकों को कहा जाता है या फिर श्रेष्ठ बालकों को भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको घुमा फिरा के किसी भी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, जिस सहानुभूति में क्रियाशीलता होती है वह है, कैसी है, निष्क्रिय है। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है, किस प्रकार से दी जा सकती है बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा, तो शारीरिक गतियों से दी जा सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे CDP के कुछ आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल थे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्त फ्रेंड के साथ में शेयर ज़रूर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।